सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू धमाकेदार सोलो बोनस चैलेंज गेम प्ले। यह है 30 UC वाला मैच। पहला शिकार आ चुका है शेल्टर के अंदर। इस बंदे का नाम है मैट चटाई। तो भाई काफ़ी बंदे, मतलब पता नहीं, काफ़ी बंदे चाहते हैं कि भाई मैं वॉइस ओवर करूं। तो भाई मैं भी आपसे मांगता हूं कि भाई अगर इस वीडियो के ऊपर मिनिमम 50 लाइक्स आ जाते हैं, ठीक है, एक दो या तीन दिनों में, ठीक है, तो मैं भाई कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में वॉइस ओवर करके डालूं, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो मेरी कोशिश नहीं रहेगी, ठीक है, कि मैं वॉइस ओवर करूं। क्योंकि भाई तुमको अगर कुछ चाहिए तो भाई मेरे को कुछ वापस से देना पड़ेगा। क्योंकि भाई बिना वॉइस ओवर डालो या वॉइस ओवर करके डालो इतने व्यूज़ आते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो भाई काई को इतना मेहनत करने का गेम प्ले है ही, काट पीट के डाल देता हूँ मैं 8 मिनट का। तो बच गया ये बंदा, स्कूल वाला बंदा, ठीक है। ये पता नहीं रोजॉक के तरफ से आ रहा था लेकिन स्मोक करके वापस विद्यालय की ओर जा रहा था। मेरे को लगा भाई रोड पे आएगा यहाँ पे गाड़ी लेने, क्योंकि रोड के पास गाड़ी भी था, बट वो गाड़ी लेने नहीं, पैदल यात्रा पे था वो। तो उसको मारने के बाद राइट वाले कंपाउंड में गाड़ी है, उधर से बच के मैं जाता हूँ। वैसे गाड़ी के टायर फूटा हुआ है और राइट में देखते रहो, यहाँ पे ऊपर नहीं। वैसे ये BGM खेलने के लिए बोल रहा है मेरा दोस्त, बट अभी मैं थोड़ा PUBG में बोनस चैलेंज खेल रहा हूँ जो कि आपके लिए वीडियो डाल सकूँ, ठीक है। तो भाई लाइक करना बनता है, क्योंकि भाई मैं मतलब अपने दोस्तों के साथ खेलने को भाई मना करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा इस जो भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है, उसके लिए भाई लाइक ठोक देने का। यहाँ पे 3 किल हो चुके हैं, शानदार प्लेस पे आ चुका हूँ। सामने दिखता है मेरे को BRDM। अभी थोड़ी देर और रुको, आपको ये और BRDM दिखेंगे। हल्का सा यहाँ पे लैग हो चुका था, ठीक है, लेकिन फिर भी लपेट लेते हैं अपन। यहाँ पे एक BRDM दिखा भाई, एक और BRDM दिखता है मेरे को, मतलब दोनों टक्के एक साथ ही पता नहीं रहता हमेशा। तो अपना काम है भाई उंगली करने का, ठीक है। अब ये दो BRDM मैं अगर अभी स्टार्टिंग में ही फोड़ देता, यहाँ पे धुआं धुआं कर देता, तो क्या ये एंड तक जा पाता, एंड सर्कल में? तो एंड सर्कल में क्या ही भसड़ मचने वाला, वो तो दिखते रहने का एंड में, ठीक है। और सामने पता नहीं कोई सा तो बगी आ चुका है, और एक और कूप। लेकिन बच चुका, ठीक है, लेकिन एक और बगी आता है भाई, मेरे ऊपर चढ़ा ना दे, मैं जोन के लिए निकल पड़ता हूँ। इधर सामने BRDM, इधर कूप है, इधर लेफ्ट में स्मोक है, भैंस की मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मतलब मैं बिल्कुल एच पे था और मेरे सामने, मुंह के सामने ये 3 बंदे आ गए थे, ठीक है। बट मेरे को एक और प्लेस, खतरनाक प्लेस मालूम है, ये वाला डिप कतई जहर डिप है भाई, देख लो आप मेरे वीडियो के ऊपर, टिप्स एंड ट्रिक्स ले लो। बस पंगा यह है कि यहाँ पे ज़्यादा आप बिल्कुल ही खड़ा होकर के ओपनली बहुत देर तक नहीं मार सकते, ठीक है। नहीं तो जैसे दिख रहे हो आपने किल फील्ड में देखा अभी, कौन सा तो स्नाइपर था अभी एक शॉटगन में। और सामने कंपाउंड में फाइट हो रहा है, आधा सा भाई घर जो जोन के अंदर है, 2 बंदे हैं। तो मैंने उनका सॉल्व कर दिया, ठीक है। फालतू में भाई आपस में लड़ रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या है इसकी अहिंसा, मतलब अहिंसा करके क्या मिलेगा इनको। आराम से खेलो फ्रेंडली, तेरे टीम अप करके खेलो। मेरे को लगा वो बंदा डब्बा लूट रहा है जिसको मैंने मारा, ठीक है, तो उधर ही वैसे ही। अभी थोड़ा है ना किल, मतलब गौर से सुनते रहने का, ठीक है, कान में ईयरफोन लगा के, तो थोड़ा सा वॉच कर दो आप। राइट वाला जो बंदा जैसे बग्गी पे बैठा, टन करके उसको इस स्नाइपर शॉट से लपेट दिया गया। इसलिए भाई गाड़ी को स्मोक करके, ठीक है, आराम से बैठो। अब देखो भाई यहाँ पे मैं ठोकता हूँ, मेरे को लगा मैं जोन में हूँ, ठीक है, बिल्कुल एच पे आ चुका हूँ। मैं वापस इसलिए बैठा हूँ क्योंकि इतने हाई पिंग में किसी ने मेरे को टिप्स दी है कि भाई
गाड़ी में बैठ जाओ जैसे आपके पास गाड़ी है, ठीक है। मेरा चारों तरफ ध्यान है, पता चलता है भाई मैं जोन के बाहर हूँ। माँ की आँख। अब भाई आपको पता है कि राइट वाले कंपाउंड में एक बंदा था जिसको भाई मैंने मिनी के दो शॉट्स मारे थे, बट शायद अब वो नहीं है क्योंकि उसने मेरे को नहीं मारा। बट लेफ्ट में बंदा आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे भाई आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन भाई बहुत बार मैंने प्रोम दबाया है, क्या क्या करके दबाया हूँ तब जाके हो रहा है। अब भाई मेरे को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे भाई जो मेरा VPN है मेरे को धोखा दे रहा है। मेरा VPN में कुछ तो गड़बड़ हो चुका है यहाँ पे। तो मैं वापस यहीं पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा डिप रहता है यहाँ पे, ठीक है। मेरे को लगता नहीं कि पीछे वाले कंपाउंड में बंदा है, अब पीछे पहाड़ पे बंदा है, तो उधर से बचने के लिए इधर पीछे आ जाता हूँ और तभी मेरा बग्गी पीछे वाला टायर को फोड़ चुका है किसी ने तो। और यहाँ दिखता है सामने क्रीपर, देखते रहो, उसने किसी को मारा और मैंने उसकी मार ली यहाँ पे। और बचे हैं 8 बंदे, सिर्फ 6 किल हो चुके हैं। फटक से लाइक कर दो यहाँ पे, 6 किल के लिए शानदार। तो भाई मेरे पीछे इस तरफ, हाँ इसी तरफ बंदे है एक और, ठीक है, तो उससे बच के रहने का है मेरे को। और अपना जो कि फटा हुआ बग्घी है उसी को लेके जाता हूँ जोन के अंदर। अभी भी भाई 5 बंदे अलाइव है। और लेफ्ट में भाई वो बंदा पैदल आता है, देखो अभी। अब यहाँ भाई मेरे को पता लग गया है जो मेरा VPN है काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट भाई 2 सेकंड का डिले चल रहा है। यहाँ पे फायर करने का मैंने इतना कोशिश किया है बट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने मार दिया है। बचे हैं 3 बंदे सिर्फ, क्योंकि एक बंदा प्ले जोन से मर चुका है और दोनों जो बंदा लास्ट में बचा हुआ है मेरे अलावा, दोनों के पास है BRDM। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर उन दोनों टट्टे का मैं BRDM फोड़ देता तो एंड में क्या मेरे को ये देखने मिलते, ठीक है। तो यही मैं इसलिए करता हूँ, स्टार्टिंग में मौका होता है, एंड में मौका नहीं मिलता है कि आप BRDM फोड़ो करो। और भाई ये नहीं कि भाई आप पे BRDM पुश कर रहा है, आपको निकल के तो मारेगा, लेकिन जब तक निकल करके मारेगा आपको मारने के बाद पता चलेगा कि भाई वो बंदा एग्जिट करके आपको मार दिया है, क्योंकि आप खेल रहे हो भाई 150 टीम को जो दिख रहा है। और भाई जिस तरीके से मरा हूँ ना मैं, वैसा तभी दिखता है जब भाई आपका पता ही कतई जहर हाइपिंग है, ठीक है। मतलब दिख तो रहा है यहाँ पे 150, बट मान लो भाई आप 500 पे खेल रहे हो, ठीक है, 500 MS पे। तो भाई थर्ड पोजिशन पर आता हूँ 7 किल के साथ, बोले तो भाई 1115, बोले तो 115 UC मिलते हैं इस मैच में। कैसा लगा भाई मुझे कमेंट में बताओ, लाइक कर देना जो 50 का लाइक है, और चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब कर देने का।